फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नमिता ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई, सैटरडे है। आज मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आप सबको बाद में बताऊँगी। फिलहाल मैं अभी निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। मतलब मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा एक ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। ऑफिस में थोड़ा काम था और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो आप सबको भी बताते कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम है और मैं कौन से हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो मिलते हैं ब्लॉग में आगे। फ्रेंड्स, हम लोग आज के पहुँच गए हैं। वहाँ से हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, तो यहाँ से हॉस्पिटल अकेले रिक्शे मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, फिर आपको बताते हैं। गेट नंबर 1 से एग्जिट करना आप लोग, वहीं से आपको रिक्शे मिलेंगे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के लिए। 10 रुपीज़ लेते हैं ये वाले रिक्शे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। लेडी हार्डिंग, लेडी हार्डिंग बढ़ा दे, लेडी हार्डिंग। ये देखो ओपीडी की लाइन लगी हुई है, यहाँ पे पर्चियाँ वगैरह बनती है। बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। सुबह सुबह जल्दी आना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। तुम मैं किसी गार्ड भैया से पूछती हूँ कि इमरजेंसी की एक्सरे रिपोर्ट कहाँ कहाँ मिलती है, फिर वहाँ जाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, जो ओपीडी है ऑर्थो की और भी बहुत सारी ओपीडी है, वो सारी इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट होके लेडी हार्डिंग की नई बिल्डिंग बन गई है। तो जो भी गया अभी यहीं पर ही आए, सब कुछ धीरे धीरे शिफ्ट हो ही जाएगा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल का। हेलो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ। मैं हॉस्पिटल का ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। एक तो सबसे बड़ी बात कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना पड़ा, मतलब सारी चीज़ें बहुत अलग हो गई थी। और मैं ना अभी सबसे पहले ट्यूसडे को मम्मी को हॉस्पिटल लेके गई थी। ट्यूसडे को मतलब 28 जून को लेके गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी के ना पैर में स्वेलिंग आ गई थी। मतलब मम्मी का ना सीढ़ियों से पैर मतलब मुड़ गया था, वो एक स्टेप नीचे गिर चल रही थी तो उनका पैर मुड़ गया। बट उन्होंने क्या है, उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, तो उनको लगा कि ठीक है हो जाता है, वो नॉर्मली हमें भी लगता है कि हो जाता है, तो उन्होंने यही चीज़ करी। तो 1-2 वीक्स तो ठीक था, बट उसके बाद प्रॉब्लम होने लग गई। देन उसके बाद हमने, हमारे नेबर में कोई डॉक्टर है, वो भी अच्छे डॉक्टर है, बट हमने उन्हें दिखाया तो 1-2 दिन दवाई वगैरह चली, तो आराम इतना आया नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि वहीं लेके चलते हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, वहाँ पर डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने कहा वहीं लेके चलती हूँ मम्मी को।
अब मैं मम्मी को वहाँ लेके गई। आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना ही टाइम लगता है, बट एक पॉइंट वाली चीज़ क्या है, ओपीडी की जब पर्ची बनवानी होती है ना, आप सभी लोग उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ओपीडी की लाइन में आपको लगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करती हूँ, वहाँ जाती हूँ, देन आराम से बनाती हूँ, मुझे लाइन में लगना ही नहीं पड़ता। तो जो भी कोई लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जा रहा है या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा है ना, तो हर जगह के ना अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होने लग गए हैं। आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए, और जिसको भी जाना है और जिसको नहीं पता है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बना सकती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब एक फ़र्स्ट टाइम तो मैं भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे भाई ने करा था, मतलब मेरे भाई का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, उसने करा था, उसी ने ही मुझे बताया, देन उसके बाद मैंने खुद किया, क्योंकि पहले मुझे लगा कि फ़ेक होगा, मतलब ऐसे ही होगा कि नहीं मतलब वो लेते नहीं होंगे। तो वो गया, वो दिखा के भी आया, उसने एक ही जगह पे गया, पर्ची बनवाई, उसको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा है, फिर तब से मैं भी अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ही लेती हूँ। थोड़ा मुश्किल लगता है कि अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिल पाते हैं, बट हाँ ये है कि जैसे अगर हमें नेक्स्ट वीक जाना है तो हम नेक्स्ट वीक का पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे, इट्स बेटर ना, एक दिन पहले लेने से अच्छा है एक हफ्ते पहले ही लेके रख लो। और भी अपॉइंटमेंट अगर लेना भी है तो एक दिन पहले ही ले सकते हैं, हम सेम डे में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लिया था, देन उसके बाद मैं गई। मेरी मम्मी ने क्या किया था, 28 जून की बात बता रही हूँ मैं, मतलब मम्मी एक्सरे के लिए गई अंदर, अब एक्सरे में तो दूसरा पर्सन अलाउड ही नहीं होता। अब डॉक्टर ने उनको बोला था कि 4 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में दिखाया था, इमरजेंसी में तो रिपोर्ट जल्दी मिल ही जाती है। अब मम्मी ने क्या सुना कि 4 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी, और अब ऑफिस से भी बार बार छुट्टी नहीं ले सकती या लेट नहीं आ सकती, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी छुट्टी ले चुकी थी, मैं बीमार थी बहुत, तो फिर वो भी सही नहीं लगता। तो आज मेरी छुट्टी थी, तो आज सैटरडे को मैं गई, तो वहाँ पे पहले उन्होंने बोला पुरानी बिल्डिंग वालों ने कि वहाँ शिफ्ट हो गई। पहले हम मैंने 11:30 तक वहाँ वेट किया, मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था, सुबह के गए हुए थे, मूड ऑफ हो ही जाता है कि सुबह सुबह उठे, एक तो ऑफिस जाते हैं नींद पूरी नहीं होती, ऊपर से 2 दिन सोने को मिलते हैं, उसमें भी जाना पड़े तो फिर पता ही है आप सबको। बट क्या कर सकते हैं, मम्मी है भाई, उनके लिए उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, तो हम इतना नहीं कर सकते। तो फिर गए 11:30 बजे, फिर उनकी दूसरी वाली जो खिड़की होती है वो खुली, देन वहाँ से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। हम नई बिल्डिंग को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया सबसे, मतलब मैंने पूछा, देन उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर है। देन उसके बाद मैं नई बिल्डिंग गई, वहाँ जाके मम्मी की रिपोर्ट मिली। उसके बाद क्या हुआ कि जो मम्मी के डॉक्टर हैं ऑटो वाले, वो बैठते ही नहीं आज के दिन, मतलब वो ट्यूसडे और फ्राइडे को बैठते हैं। तो अब मुझे ट्यूसडे या फ्राइडे दोनों में से किसी एक दिन मम्मी को लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। मतलब बेसिकली मैं बस एक यही चीज़ बता रही हूँ कि एक नॉलेज के लिए भी आप सबके लिए, कि इमरजेंसी की जो रिपोर्ट्स होती है ना वो जल्दी ही मिल जाती है, वो कोई भी रिपोर्ट है, क्योंकि इमरजेंसी में हम करा रहे हैं, इमरजेंसी का मतलब होता ही यही है। मतलब मैंने भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया, अगर मैं थोड़ा ध्यान देती तो शायद रिपोर्ट हमें उसी दिन मिल जाती और डॉक्टर को दिखा भी देते, अब दोबारा चक्कर हमें फिर लगाना ही पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं, हमसे भी हो गई, क्या पता मेरी मम्मी की जगह मैं होती तो मैं गलत सुन लेती, इंसान है, इंसानों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। और फिर मैं घर आ गई, मैं बहुत थक गई, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत थक गई, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि देख रहे 2-3 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रहा था, और आज मैं तो इतनी तेज धूप हो रही थी कि बस पूछो ही मत, और मुझे आगे कपड़े भी धोने, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप सबको ये नॉलेज की बात बता देती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ कपड़े धोने। और फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बाकी मैं आपसे ब्लॉग्स आगे शेयर करती रहूँगी, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपसे आपके साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर कर सकती हूँ, डेली ब्लॉग्स भी बना सकती हूँ अगर आप लोग चाहें, क्योंकि जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से मैं ब्लॉग्स वगैरह आपको बनाऊँगी। कि आप लोग जो चीज़ देख दें, मतलब कुकिंग का देखना चाहते हैं, शॉपिंग का देखना चाहते हैं, या मेरी डेली की मैं क्या रूटीन कर रही हूँ, क्या करती हूँ पूरे दिन में, सब मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।